पिछले कुछ दिनों से ज्ञानव्यापी मामले के कारण देश का माहौल गरमाया हुआ है। ज्ञानव्यापी में शिवलिंग मिलने का दावा हिंदू पक्ष की तरफ से किया गया। शिवलिंग मिलने के दावे के बाद यह विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, लेकिन अब ज्ञानव्यापी का असर देश के अन्य राज्यों में भी साफ देखने को मिल रहा है। कल पुणे में मनसे ने कहा था कि जो दो हिंदू मंदिरों को तोड़कर वहां दरगाह बनाई गई है, वहां मंदिरों के लिए निर्माण करने के लिए फिर से मनसे की तरफ से संघर्ष किया जाएगा, लेकिन अब ज्ञानव्यापी का असर गोवा तक पहुंच चुका है। गोवा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, गोवा में ध्वस्त हिंदू मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने यह घोषणा की है। पुर्तगाल राज्य में जो मंदिर ध्वस्त किए गए थे उनका पूर्ण जीर्णोद्धार किया जाएगा। मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए बजट में अलग से पैसे भी आवंटित कर दिए गए। इसके अलावा गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने राज्य में उत्तराखंड सरकार के तर्ज पर यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिकता कानून भी लागू करने की बात कही है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ज्ञानव्यापी का असर गोवा तक पहुंचा और ज्ञानव्यापी के बाद अब गोवा में भी पुर्तगाल काल में ध्वस्त हिंदू मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की घोषणा, मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए बजट में पैसे भी आवंटित किए गए। इसके अलावा गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिकता कानून भी लागू करने की बात सीएम प्रमोद सावंत ने की है। तो ज्ञानव्यापी का असर महाराष्ट्र के बाद अब गोवा तक पहुंच चुका है। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश, मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट, मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान गिरफ्तार, भारत सरकार का बड़ा फैसला, 15 अगस्त से मुंबई करो को लोकल में एंट्री, खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।